विद्वानों का तो ये हाल अजीब ही तरह का होता है। आप एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत समझदार, वो चलते चलते अंधेरे में कुएं के अंदर गिर गया। एक मस्त व्यक्ति आया बिना पढ़ा लिखा और उन्होंने रस्सा डाल दिया कुएं के अंदर। देखा कोई चिल्ला रहा है, उन्होंने देखा कि अंदर में व्यक्ति है, रस्सा डाला कि भाई रस्से को पकड़ करके आप बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, पहले ये बताओ ये रस्सा कहाँ से लाए, रस्सा कितने का है, रस्सा किस प्लास्टिक का रस्सा है या किसी और वस्तु का बना हुआ ये रस्सा है, सूत का रस्सा है, कैसा ये रस्सा है, इसका पूरा वर्णन मुझे सुनाओ, कैसे तुम्हें पता चला मैं अंदर हूँ, कैसे तुम मुझे निकालोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, खींच करके निकालोगे, कितने व्यक्ति होंगे, बहुत सवाल करता रहा। उन्होंने कहा कि मैंने रस्सा डाल दिया, या तो आप इसको पकड़ लो हम खींच लेंगे आप बाहर आ जाओगे, नहीं तो आप इसके ऊपर से चढ़ करके बाहर आ जाओ। लेकिन वो मान ही नहीं रहा, अंदर ही लटका हुआ। यही हाल संसार का हो गया है। गुरु कहते हैं आप इस नाम की रस्सी को पकड़ो परमात्मा तक पहुँच जाओगे, लेकिन लोग कहते नहीं हम कैसे माने ये नकली है या असली है रस्सी, इस रस्सी से क्या पता हम पहुँचे ना पहुँचे, निकले ना निकले, कैसी ये रस्सी है, आप हमें क्यों निकालना चाहते हैं, हम यहीं सही हैं, क्यों इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा हमें निकाल करके। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे ये परमात्मा का आदेश है, इसलिए ये सब चल रहा, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हासिल भी नहीं होगा, बस क्योंकि बिना सुमरण के आप लोग उठ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि परमात्मा की मेहर कितनी है। तो उसी व्यक्ति वाला हाल हो गया है, आप वर्णन सुनते रहते हैं, आप उसके ऊपर रास्ते के ऊपर नहीं चलते। कुछ लोग वेद पढ़ते हैं, कुछ लोग गीता पढ़ते हैं, कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और भी पुस्तकें हैं पढ़ते रहते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ तो लेते हैं आप मनन नहीं करते किसके अंदर क्या लिखा गया है, ये शब्द क्यों लिखा गया है, इस शब्द का कारण क्या है, इस शब्द का ही प्रयोग क्यों हुआ, दूसरे का क्यों नहीं हुआ, नहीं सोचते, बस पढ़ लिया हो गया, खोज लिया हो गया, गुरु की बातें सुन ली, ऊपर ऊपर से जो हाथ लगी वो ठीक है, नहीं लगी वो ठीक है, बस आए कुछ नहीं, बैठे कि हाँ जा रहे हैं, लेकिन अंदर में गंभीरता नहीं। जब तक साधना में गंभीरता नहीं होगी, जब तक आप गंभीर होकर के नहीं बैठोगे, जब तक आप साधना को केवल ड्यूटी मात्र मानते रहोगे, जब तक आप सेवा को ड्यूटी मात्र मानते रहोगे, वो सेवा नहीं रही, वो तो ड्यूटी हो गई, वो तो सांसारिक नौकरी हो गई, वो गुरु की नौकरी कहाँ हुई। गुरु की नौकरी सेवा अलग होती है, उसके अंदर चाव होता है, भाव होता है, अंदर में उमंग होती है, और वो सेवा आपको परमात्मा के मार्ग की ओर चलाती है। आपके सारे के सारे अंग परमात्मा के मार्ग की ओर चलते हैं, सेवा में लगे होते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं, बिल्कुल बदल गया सब कुछ, सब कुछ अलग ही खेल हो गया। आप समझ नहीं पा रहे आप क्या कर रहे हैं, आप तो अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं हैं, आप तो सांसारिक कार्य के प्रति गंभीर नहीं हैं, आप तो ध्यान के प्रति गंभीर नहीं हैं, आप तो बैठने के प्रति गंभीर नहीं हैं। लेटे लेटे 10 मिनट राम राम कर लिया, क्या हो गया कल्याण, 10 मिनट राधे कृष्ण कर लिया, हो गया कल्याण, और आपने आरती गाली ओम जय जगदीश हरे हरे, इससे पहले ये तो 1850 के आसपास रची गई थी, इससे पहले कौन सी आरती थी, इससे पहले कौन सी साधना थी, आपने गए वृंदावन के अंदर झूला ले आए कि सेवा में लगे हुए हैं, कोई कार्य को बोल दे नहीं सेवा में लगे हुए हैं, कोई घर का कार्य बोल दे अरे नहीं सेवा में लगे हुए हैं, ये सेवा नहीं है, ये ध्यान नहीं है, ये भक्ति का मार्ग नहीं है, ये परमात्मा का रास्ता नहीं है, ये ब्रह्म का खेल नहीं है, ये परमात्मा तक लेकर जाने के लिए रास्ता नहीं है, ये मंजिल नहीं है, और आप ऐसे नहीं पहुंच सकते।
कितना भी प्रयास करते रहे, आपका मन कहीं है, ध्यान कहीं है, विचार कहीं है, शरीर कहीं है, इंद्रियां कहीं हैं, कैसे आप इनको इकट्ठा करोगे? इस फैले हुए संसार के अंदर ऐसे ही विचरण करते रहेंगे और ये किस प्रकार से आप आगे बढ़ोगे? मैं बहुत बार सोचता रहता हूँ कि मैं कान्हा की सेवा करने लगा हूँ, मैंने सेवा ले ली है। सेवा इसको नहीं कहते, किसको कहते हैं? आप लोगों को भ्रमित किया गया है, आप लोगों को रास्ते से हटा दिया गया है, ये सेवा नहीं है। सेवा उसकी मन से करो, सेवा उसकी ध्यान से करो। ये समझो कि जिस प्रकार से एक जीव के कुछ एक बार एक पैर उखाड़ दिया, एक बार दूसरा उखाड़ दिया, एक बार तीसरा उखाड़ दिया, ऐसे कर करके सब पैर उखाड़ दिए और वो सोचने लगे कि मैंने तो अलग ही जीव की रचना कर दी, उसी प्रकार से कुछ लोग कि गीता को उठा लिया, दो शब्द उधर से उठाए, दो उधर से, और इधर उधर से शब्द इकट्ठा करके सोचे मैंने ग्रंथ की रचना कर दी और मैं तो जगत गुरु हो गया। अरे भाई, जगत गुरु शब्दों से नहीं होते, गुरु शब्दों से नहीं होते, गुरु शब्द जाल से परे होते हैं। पुस्तकों की रचना से कोई गुरु नहीं बनता, ये विद्वानों का कार्य है, वो खोजते रहते हैं, बाल की खाल उतारते रहते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये साधना का मार्ग नहीं है, ये विद्वानों का मार्ग है। साधना का मार्ग अंदर का मार्ग है, साधना का मार्ग सुरत शब्द का मार्ग है, साधना का मार्ग प्रेम का मार्ग है। जब तक आप प्रेम नहीं कर सकते किसी के साथ, जब तक आप अपने खुद से प्रेम नहीं कर सकते, जब तक आप लोगों से प्रेम नहीं कर सकते, जब तक आप इस संसार से प्रेम नहीं कर सकते, परमात्मा से कैसे प्रेम करोगे? जब तक आप अपने चारों तरफ प्रेम का वातावरण पैदा नहीं कर सकते, जब आपके अंदर प्रेम की बूंद ही नहीं है, तो प्रेम का झरना कहाँ से फूटेगा? ये आप भूल जाओ कि बूंद नहीं होगी एकदम झरना फूट पड़ेगा, नहीं फूटेगा झरना। जहाँ बूंद ही नहीं होगी वहाँ सागर कैसे होगा? जहाँ एक बूंद भी जल नहीं होगा तो सागर की क्या आस की जा सकती है? सागर की आस तो उसी से की जाती है जब हमारे पास जल हो, जब नदी हो, पता चले सीधी सागर के अंदर जाएगी, तब हम नदी के मार्ग से सागर के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ अता पता ही नहीं होगा, हमारे पास कुछ हो ही नहींगा, कुछ योग्यता ही नहीं होगी, कैसे चढ़ोगे, कैसे परमात्मा को आप पसंद आओगे?